जानते होली स्पिरिट जब लोगों पे उतरता है तो मैंने इसको ओरिजिनली उतरता हुआ देखा है हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरह से। और मैंने देखा वो लोग जो परमेश्वर के प्यासे हैं, वो लोग जो जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, जो आज टीवी के सामने इसलिए नहीं बैठे कि परमेश्वर उनको छुए और परमेश्वर उनको उनको टच करे, क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए, उनको डिलीवरेंस चाहिए। ठीक है, परमेश्वर हीलिंग और डिलीवरेंस अभी भी दे रहे राइट नाउ, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो जो बिना किसी रीजन के परमेश्वर के सामने बैठे, चैलेंजेस के साथ भी, अपने दुखों के साथ भी परमेश्वर के सामने बैठे। कुछ दिन पहले मैं अपने रूम में था और मेरी वाइफ भागी भागी मेरे पास है और बोला कि जो हमारा सन है, जो यर्मिया है, क्योंकि हमारे घर में हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जैसे लोगों की आदत होती है, जैसे हर घर में परमेश्वर अलग तरह से जैसे लोगों की अगुवाई करता है प्रार्थना करने में, कोई ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करता है, कोई रो रो के प्रार्थना करता है, कोई किसी तरह से प्रार्थना, कोई साइलेंट कर करता है, कोई गीतों से करता है। हमारे घर में जब प्रार्थना होती है तो हम प्रार्थना जो करते हैं वो फायर प्रेयर से करते हैं। तो मेरे घर में ऐसा नहीं है कि हम जैसे रो के प्रार्थना करें या जैसे होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करता है वैसे प्रार्थना करते हैं। तो मेरा बेटा भाग भाग के मेरी वाइफ के पास आता है, मम्मा, और वो रो रहा था और उसको कुछ नहीं मालूम क्या होता है, क्या पवित्र आत्मा होता है, कुछ नहीं पता, वो छोटा सा बच्चा है अभी। उसने कहा, मम्मा आज मेरा दिल कर रहा है मैं प्रार्थना ना करूं। उन्होंने कहा, क्या हुआ, आज तू रो क्यों रहा है, तू प्रार्थना? कहता, पता नहीं मुझे ना रोना आ जा रहा है, जब मैं टीवी के सामने बैठ रहा हूं तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा। वो कभी नहीं रोता, वो अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देखता महीनों महीनों, वो रोते नहीं कभी भी, मतलब कोई ज़्यादा खेल में कुछ कर दे तो नहीं, तो वो रोते नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ उनको सिस्टमेटिकली उनका किया हुआ। तो उनका रोना मतलब कि वाकई कोई चीज़ है आज जो हो रहा है। और क्या हुआ, कहता मुझे पता नहीं क्यों मैं टीवी के सामने फायर प्रे जब कर रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। तो हमने उसे समझाया, क्योंकि उसने हमें कभी रोते हुए प्रार्थना करते नहीं देखा था, जैसे आंसू के साथ नहीं देखा था। अगर अंधेरा हो तो आंसू आ भी जाए तो उनको दिखता नहीं था कि आंसू के साथ कोई प्रार्थना कर रहा है या उनकी मदर प्रार्थना कर रही है आंसुओं के साथ। तो उनको समझाया, बेटा ये होली स्पिरिट है जो तुझे आज मिला है, क्योंकि मेरी बेटी के पास पवित्र आत्मा है, वो गैर भाषा बोलती है। तो उसको समझाया कि नहीं, ये होली स्पिरिट आज को पवित्र आत्मा ने छुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा ओरिजिनल है। जब ये उतरता है तो कईयों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आज ऐसा क्यों हो रहा है, आज मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं, आज मुझे रोना क्यों आ रहा है, या आज मुझे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, आज क्या हो रहा है। और उस पर पवित्र आत्मा उतरा और वो और उसका स्वभाव भी चेंज हुआ और उसकी लाइफ में और भी चेंजेस हुए, हमने जो नोटिस किए उसकी लाइफ में। आज सेम होली स्पिरिट मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ के ऊपर आते हुए। अपने हाथों को उठाओ, रबाहसांदा लेहोरा खुसा खाला बराबाना नबा शिखांदा नबा सिमरियांद बुशा।